भादो मास के कृष्ण पक्ष में तीन छठ त्योहार पर रविवार को जिले में महिलाओं ने तीन छठ का व्रत रखकर पुत्र के दीर्घायु होने की मंगल कामना की। महिलाओं ने पर्व को परंपराओं के अनुसार धूमधाम से मनाया। नगर और ग्रामीण इलाकों में गोट बनाकर तीन छठ की पूजा अर्चना की। इस दौरान महिलाओं ने बेटों के लिए लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की। व्रती औरतों ने पोखरी बनाकर कुश और पराश के पत्ते लगाकर उसमें विधि विधान से फूलमाला, भैंस का दूध, तिन्नी का चावल, आम, केला, महुआ, करेमुआ का साग और भैंस के दूध के साथ पूजन आरती किया। साथ ही पूजन आरती के बाद महिलाओं ने देवी देवताओं के पुत्र पर आधारित कथाएं भी सुनी। कथा समाप्ति के बाद वहीं महिलाओं ने सोहर गीत के साथ पूजा समाप्त किया। इस संबंध में व्रती महिलाओं ने बताया कि इस व्रत के माध्यम से पुत्र को लंबी उम्र की कामना की जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि इस व्रत को पूरे नियम के साथ पालन करना होता है, जिसमें व्रती महिलाओं को जमीन में पैदा हुए सामानों को ग्रहण नहीं करना होता है। महिलाएं दिन भर दही, तिन्नी का चावल और करेमुआ का साग ही भोजन के रूप में ग्रहण कर सकती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जिसके पास पुत्र ना हो, अगर वह इस व्रत को करती है तो उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए व्रती महिलाओं और मंदिर के पुजारी ने कहा। हमारा नाम अमरावती है। ये तीन छठी माता का व्रत है, तो ये पुत्र का लाभ होने का ये व्रत होता है। पुत्र के भला के लिए तो जोता हुआ जमीन में नहीं जाते हैं लोग, जोता हुआ जमीन का चीज़ नहीं खाते हैं। चावल ये तीनी का चावल बनाकर खाते हैं, साग बनाकर खाते हैं, मरचा वगैरह यही जोता जमीन में का नहीं खाते हैं, यही होता है इसका। किस विधि विधान से पूजा करते हैं? विधि विधान यही है कि जोता जमीन में हम लोग नहीं जाएंगे आज के दिन। कल जब तक पारण नहीं करेंगे तब तक नहीं जाएंगे। और ये महुआ का पत्ता होता है, उस पर पूजा करते हैं। वो महुआ और दही और तिन्नी का चावल मिला करके उस पर रखते हैं। दही, सिंदूर, हल्दी का उनको टीका लगाते हैं, वही चढ़ाते हैं। तीन छठी माता खूब खुश रहता है, उसी को गाड़ कर उनका छह पत्ते का गांठ लगाते हैं। वो तीन छठी माता कहलाती हैं। श्री राम सती देवी, ये त्यौहार हम लोग बेटी बेटा का व्रत के लिए मनाते हैं। पुत्र का व्रत है ये। क्या मान्यता है त्यौहार? क्या मान्यता है, 6 दिन बाद जाने पे व्रत पड़ता है, इसमें व्रत रहते हैं। और क्या बोलता है, तिन्नी चावल, महुआ, भैंस का दही, यही सब चढ़ाते हैं, खाते हैं। कुश परास महुए का पत्ता पर पूजा करते हैं। हाँ, ये इसका यही मान्यता है, यही त्यौहार है ये। और इस त्यौहार में क्या क्या मतलब बर्ताव रखते हैं आप लोग? बर्ताव सब कुछ है। खेत के जोता हुआ खेत में नहीं जाएगा कोई, न उसका कोई चीज़ खाएगा। हाँ, कोई चीज़ जो खेत में जोता हुआ खेत में होता है उसे खाना नहीं है। बस यही बिना जोते हुए कहीं साग जाम गया हो, महुआ तो मैंने जोता नहीं है तो फल है। हाँ, तो यही सब तीन चीज़ के अलावा कोई जोता खेत में नहीं खाया जाता है। शर्मिला गिरी, आज का त्यौहार जो है हम लड़कों का है और उनके सुख समृद्धि के लिए और हम लोग लंबी उम्र की कामना के लिए उन लोगों का मतलब व्रत रहते हैं। किस विधि विधान से ये पूजा पाठ करते हैं? ये कुश होता है और महुआ का पत्ता होता है और परास का पत्ता होता है और बस इसी से फूल अगरबत्ती, इसी से पूजा होता है बच्चों के लिए। छठ माता, हाँ, छठ माता का हम लोग पूजा करते हैं और ये लड़कों का ही त्यौहार है। मतलब बेटा बेटी तो सब एक ही होते हैं, लेकिन ये लड़कों का ही त्यौहार माना जाता है। पंडित विजय शंकर पांडे। पंडित, आज किस चीज़ का व्रत महिलाएं रखते हैं? आज हल खष्टी व्रत का त्यौहार है स्त्रियों के लिए।
पुत्र और पति की दीर्घायु की कामना के लिए स्त्रियां व्रत रहती हैं। क्या मान्यता है इसी तब से? ये बहुत प्राचीन समय से मानता है, स्त्रियां जो इस व्रत को करती हैं पुत्र की दीर्घायु के लिए, पति की दीर्घायु के लिए। क्या क्या सामग्री इसमें रखती हैं पूजन? इसमें पूजन सामग्री में जैसे जो हल से मतलब बोया न हो, जिसमें हल न चला हो, उससे जो उत्पन्न होता है, जैसे तिंदी का चावल हुआ, करमुआ का साग हुआ, या मरचा जो भी ना बोया हुआ हो, हाँ, जिसमें बोया हुआ न गया हो, उसी तरह से पैदा हो गया, उसका भी उपयोग होता है। भैंस की दही का होता है, दूध का होता है, घी का होता है, नैवेद्य मीठा होता है, फल पुष्प चंदन दुर्वा अक्षत इत्यादि से षष्ठी देवी का पूजा होता है। भगवान राम ने भी शायद व्रत रखा था। भगवान राम ने तो सूर्य षष्ठी व्रत रखा था, सूर्य रावण की रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए किया था, लेकिन यह कृष्ण भगवान और बलराम जी के द्वारा है यह व्रत जो है।